नमस्कार, मैं द्वारका जलाल, पास काउंसिल चेयरमैन। सबसे पहले मैं बधाइयां देता हूं लायंस क्लब ऑफ विचलकरण जी को अपने 61वें वर्ष में पदार्पण के लिए। लायंस क्लब ऑफ विचलकरण जी जो मशहूर है हमारे प्रांत ही नहीं, मल्टीपल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने ब्लड डोनेशन के परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए। इस क्लब ने 3 पास गवर्नर्स दिए, स्वर्गवासी दातार जी के स्वरूप में डॉक्टर विलास भाई शाह और मेरे मित्र विजय राठी के स्वरूप। महेश सारडा जब इसके अध्यक्ष बने हैं तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। लियो से जब महेश थे तब से मैं उन्हें जानता हूं। जहां तक की बात कोविड की है, त्रासदी तो है, चैलेंजेस भी हैं, महामारी के रूप में हमारे सामने आई है, पूरे विश्व में है, लेकिन एक बात कहता हूं मित्रों, डरिए मत। उसका मुकाबला करना है बट डरिए मत। हर एक विनाश के बाद एक सृजन है। आपको याद होगा जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब जर्मनी तहस नहस हो गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में वो हिटलर के लीडरशिप में पुनः एक बार पूरी दुनिया पे छा गया। और दूसरे विश्व युद्ध में जापान तहस नहस हो गया, लेकिन आप जानते हैं अपने इनोवेशन, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी कड़ी मेहनत से जापान आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप देखते हैं अगर सूरत एक फिल्दी शहर था, गंदा शहर था, लेकिन एक प्लेग ने महामारी के रूप में जब आए तो आज सूरत सबसे अच्छा शहर बन के उभरा है। वही बात सौराष्ट्र की भूज में जब बड़ा भूकंप आया, लेकिन आज पुनः एक बार वह अपने रूप में, नए रूप में लिए हुए खड़ा है। मानते हैं त्रासदी है, मानते हैं चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसको फेस करना है मिलजुल के। और जैसा कि कहा गया है कि हमें अपना ध्यान खुद रखना है, प्रशासन अपना ध्यान रख रहा है और अपनी तरफ से सेवाएं भी दे रहा है, लेकिन हमें स्वयं को अपनी खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे अपने आप को बाहर जाने से, बिना कारण जाने से रोकना है, ये सारी वो चीजें हैं। और एक बात और मित्रों, जिंदगी ने यूं कहें कि मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। और एक बात जो मैंने सीखी, खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, लेकिन औरों की फिक्र अक्सर लगाव देती है। औरों की फिक्र करके देखिए, खुद की तो करनी है। आपकी इम्यून पावर जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी और आप उसमें से निकल पाएंगे, लेकिन औरों की फिक्र भी आपको करनी है, अपने परिवार की और अपने आसपास के मित्रों की और समाज के लिए। मैं अपनी ओर से आपको पुनः एक बार यह कहना चाहता हूं, अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती। और अपनी ओर से पुनः एक बार लायंस क्लब ऑफ विचलकरण जी को उनके 61वें वर्ष के पदार्पण में अपनी ओर से खूब खूब बधाइयां देता हूं। धन्यवाद।